पंडित रामाकृष्णा ने जो कार्य किया है वो असहनीय है। इन्होंने महाराज को मूर्छित कर महाराज का अपहरण करने का षड्यंत्र रचा है। महामंत्री जी, महाराज आप स्थिति की गंभीरता को समझ रहे हैं। यदि मूर्छित अवस्था में यात्रा के भीतर आपके साथ कुछ अवांछनीय घटित हो जाता तो दो दिवस विजयनगर राज्य का सिंहासन राजा विहीन। आप सभी को तनिक भी एहसास है कि राजा विहीन राज्य पर कितनी प्रकार के संकट आ सकते हैं? ये कैसे विशेष सलाहकार जो महाराज के प्राण और राज्य की आन को संकट में डालते हैं। महाराज यदि आपकी दृष्टि में ये मेरी त्रुटि है तो ऐसा ही सही, परंतु उस दिन आपने ही मुझे बुलाकर कहा था कि बड़ी महारानी को मैं बुला कर लाऊं। ये सब कुछ वहीं से आरंभ हुआ महाराज। क्या है आपका पद रामाकृष्ण, बोलिए। महामंत्री जी आप बताइए कि पंडित रामाकृष्णा किस पद पर हैं? हमारे राज दरबार के विशेष सलाहकार हैं गुरुवर। विशेष सलाहकार, ये महाराज के विशेष सलाहकार हैं। समझते हैं ना आप विशेष सलाहकार के कार्य को? यदि महाराज भी त्रुटि पर हैं, तो आप उन्हें रोके। आपने क्या किया, उपहास बना दिया आपने। और यदि इन्हें तत्काल दंडित नहीं किया गया तो कल कोई और यह दुस्साहस करेगा। ये राज्य की सुरक्षा और महाराज की गरिमा का प्रश्न है। हम आपके कथन का समर्थन करते हैं गुरुवर। धन्यवाद महाराज। महामंत्री जी, आपका क्या मत है? क्या आपके लिए भी राज्य और राजा की सुरक्षा के ऊपर मित्रता है? आप सत्य कह रहे हैं गुरुवर। पंडित रामकृष्ण से त्रुटि हुई है। त्रुटि? ना 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 ना, ये त्रुटि नहीं है, ये तो अपराध है। अपराध भ्रम तो कहेंगे तो पागे तो और पाखोल। गुरुवर हम एक बार फिर आपके कथन का समर्थन करते हैं। जी महाराज। अब आप ये निर्धारित करें कि पंडित राम क्या दंड है। राजद्रोह का दंड तो मृत्यु दंड होता है महाराज। परंतु हम जानते हैं महाराज, इन्होंने राज्य के हित में कई कार्य किए, तो इन्हें मृत्यु दंड ना देकर तत्काल प्रभाव से सदैव की राज दरबार से निष्कासित। नहीं, परंतु महाराज मैंने रहा मा, यदि इन्हें यह दंड नहीं दिया गया तो यह दंड हम स्वीकार। या तो आप इनका बहिष्कार कीजिए या हमारा। सत्य कह रहे हैं गुरु। राजद्रोह एक अत्यंत गंभीर अपराध। हम विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय आज ये घोषणा करते हैं कि पंडित रामकृष्ण को अभी इसी क्षण से हमारे राज दरबार से निष्कासित किया। महाराज हमारा कहना समाप्त।
महाराज 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 मंत्री भाई मंत्री भाई। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि हमने महाराज के समक्ष ऐसा वार्तालाप किया कि पंडित रामकृष्ण को निष्कासित करवा दिया। अनर्थ हो गया। छोटे से उपहास ने राज्य के लिए तेरे किए समस्त कार्य व्यर्थ कर दिए। हाँ बंधु, त्रुटि तो मुझसे हुई है और इस बार संभवतः कुछ अधिक ही कर गया मैं। अब क्या करेगा रामा? आचार्य ने ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दी है कि इस बार मेरे पास कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है। जो आज्ञा स्वामी, मैं तो इस घर का और आपका दास हूँ ना, तो घर में जितने भी कार्य हैं वो सब मुझसे करवा लो। हाँ ठीक है। देख रामा देख, कभी सोचा था तेरे ऐसे दिन आने वाले हैं? देख ले रामा, जिस पुरुष के पास काम नहीं होता ना, उसका घर पे भी सम्मान नहीं होता। तू सही कह रहा है बंधु, पहले कमाई के लिए पापड़ बेलो और जब ना कमा पाओ तो घर में इस तरह पापड़ बेलो। लामा, और पापड़ बेलने के अलावा तेरा और क्या काम है? अच्छा, हट, 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 हट। पापड़ बेलो, पापड़ बेलो। हो गई शांति, मिल गया चैन, कर ली अपनी मनमानी। अब हमें इस घर से कब निष्कासित होना है ये भी बता दो। अरे अम्मा, कैसी बातें कर रही हो? इतनी चिंता करना ठीक नहीं है। तुम तो ये बताओ कि तुम दोनों का झगड़ा समाप्त हुआ या नहीं? नहीं, हम मायके 7 दिन के लिए ही जाएंगे। 4 दिन के लिए नहीं, 7 दिन के लिए। 4 नहीं 7। 4 7 4। बहुत चालाक बन रहे हैं, हमें विषय से भटकाओ मत। जल्दी बताइए, क्यों किया आपने ऐसा? अरे मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो भला करने गया था, अकारण ही फंस गया। सब अच्छा करने जा रहा था परंतु भूल से सब उल्टा हो गया। भूल से नहीं, ये आपका स्वभाव है और आपके स्वभाव के कारण ही आप हमेशा फंस जाते हैं। अम्मा कह रही है। हाँ। क्यों, हम कुछ नहीं कह सकते? आपको कुछ कहने का अधिकार केवल अम्मा के पास है, आपकी पत्नी का कोई अधिकार नहीं। ए शारदा, तुम अपने युद्ध में मुझे क्यों फंसा रही हो? यही स्वभाव है जो हमेशा आपको फंसा देता है। नहीं, स्वभाव के कारण नहीं, खुजली के कारण फंसा हूं मैं। खुजली? आपको खुजली है? हम अभी लेप लेकर आते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे खुजली नहीं है, महाराज को हुई। और तुम्हें बताऊं महाराज की खुजली क्या है? मैं स्वयं पंडित रामकृष्ण महाराज की खुजली है। जब तक वो मुझे नोच नहीं लेते, खरोच नहीं लेते, उन्हें आराम नहीं मिलता ना। पंडित रामकृष्ण को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, पंडित रामकृष्ण को दरबार से निष्कासित कर दिया जाए, पंडित रामकृष्ण को कारागार में डलवा दिया जाए, समझता है कुछ? अब आप क्या करेंगे? मैं नहीं, ये सोचो कि महाराज क्या करेंगे, क्योंकि मैं यानी कि उनकी खुजली तो यहाँ है, पापड़ बेल रहा हूँ। प्रश्न ये उठता है कि महाराज वहां किसे बेल रहे हो? निष्कासित कर देंगे हम आप सभी को, निष्कासित कर देंगे। ये हो क्या रहा है हमारे राज्य में?
ये कैसे खड़े हैं आप? ठीक से खड़े रहिए, जाइए यहां से, जाइए। सबको निष्कासित कर देंगे मूर्ख। महारानी चिन्ना देवी, महारानी तिरुमलम्बा, आज प्रातः काल से आप दोनों हमें दृष्टिगत नहीं हुई है। कहाँ भ्रमण कर रही है? अवकाश पर गई थी कहीं? महाराज, हम तो प्रातः काल से यहीं हैं, पीछे खड़े थे हम। पीछे थे? पीछे ही थे से क्या तात्पर्य है आपका देवी? हाँ, हमारे नेत्र तो हमारे आगे है ना, पीछे तो है नहीं हमारे दो नेत्र। है पीछे, देखिए आप, पीछे नेत्र है हमारे। क्षमा कीजिए महाराज, परंतु प्रातः से ही आपकी मनस्थिति कुछ विचलित है। आप सभी पर क्रोधित हो रहे हैं, सभी के कार्य में त्रुटियां निकाल रहे हैं। महाराज, क्या समस्या है? समस्या है तभी तो ऐसा कर रहे होंगे हम। है समस्या, प्रातः काल हम पूजा के लिए बैठे थे, पुष्प चाहिए थे, लेकिन पुष्प प्रदान नहीं हुए हमें। हमारी पूजा अर्चना अधूरी रह गई है, हमारा मन तब से विचलित है। कहिए, समस्या तो है ना? और जिस प्रकार हमसे सब व्यवहार कर रहे हैं, हमारी बात को सब अनसुना कर रहे हैं, ये हमारी सहन शक्ति के परे है। इस प्रकार राज्य का प्रशासन कैसे चलेगा? कैसे? महाराज, महामंत्री जी, आइए। हमने आपको एक कार्य सौंपा था, क्या हुआ उस कार्य का? कैसा कार्य महाराज? कैसा कार्य महाराज? अब हम आपको बताएंगे कि हमने आपको कौन सा कार्य दिया था। आपके महाराज है या आपके निजी सहायक? हमने आपसे कहा था कि हमारी सेना है तो हमें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों को नियुक्त करने की आवश्यकता है। इस विषय में आपने क्या किया है महामंत्री? जी हाँ महाराज, आपने ये आदेश दिया था, परंतु इसके उपरांत आपने ये भी आदेश दिया था कि एक धनुर्धरों की स्पर्धा का आयोजन किया जाए, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का चयन करें। श्रेष्ठ धनुर्धरों का चयन तो होगा, परंतु साधारण धनुर्धरों का चयन भी तो करना होगा। उसका क्या? कोई कार्य, एक भी कार्य ठीक से नहीं हो रहा है आपसे। आप चिंतित न हो महाराज, आपके निर्देश अनुसार सारी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सुनिश्चित की जाएगी? आज प्रातः काल हम पूजा कर रहे थे, हमें पूजा के पुष्पों की आवश्यकता थी, वो पुष्प हमें नहीं मिले। क्यों? जाइए, पता लगाइए कि इसका अपराधी कौन है और उसे हमारे समक्ष राज दरबार में प्रस्तुत किया जाए, हम उसे दंड देंगे। महाराज, निष्कासित कर देंगे सब। हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं महामंत्री जी, आज प्रातः काल से ही महाराज कुछ विचलित हैं। हमारी समझ में सब कुछ आ गया है महारानी जी, आज पंडित रामकृष्ण महाराज के सानिध्य में नहीं है तो उनकी कमी उन्हें खल रही है। पता नहीं आज राज दरबार में क्या होगा, महाराज का क्रोध सभी पे बरसेगा। हे भगवान, रक्षा कीजिए। आज विजयनगर का दरबार कितना उत्तम और भव्य प्रतीत हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे प्राचीन दिवस पुनः लौट आए। क्यों महामंत्री जी? महाराज कृष्ण देव राय की जय। 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 प्रणाम महाराज। गुरुवार जी महाराज, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए आप हमें। हमें प्रतिदिन इसी सिंहासन पर क्यों बैठना पड़ता है? क्यों अनिवार्य हमारा यहाँ बैठना? महाराज वो, हाँ वो विजयनगर राज्य के महाराज हैं आप, तो राज्य के राज सिंहासन पर तो महाराज को ही बैठना होगा, और कौन बैठेगा? गुरुवर, आपको हो क्या गया है? आप हमारे कथन का अर्थ समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? हमारा तात्पर्य है कि हमें प्रतिदिन इस सिंहासन पर क्यों बैठना पड़ता है? हम यहाँ के राजा हैं, तो हमारे पास विकल्प होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए महाराज, आपको भी विकल्प प्राप्त होना चाहिए। आप आदेश कीजिए, हम आपके लिए वो 10-12 भिन्न भिन्न रंगों के, भिन्न भिन्न आकारों के वो राज सिंहासन बनवाने का आदेश दे देते। तो ये विचार पहले आपको क्यों नहीं आया गुरुवर? आप चाहते क्या है कि हम विनती करें, गिड़गिड़ाए, तभी जाके कोई कार्य होगा यहाँ पर? आपका भी तो कोई दायित्व बनता है कि नहीं गुरुवर?
आज इतने बड़े दरबार में पहली बार इतना क्रोधित होकर महाराज ने अपने बुड्ढी को डांटा। सही कह रहा है, आज का दिन कितना शुभ है ना, कितना शुभ। आन ग्रहण कीजिए महाराज। हम कैसे? वैसे ही जैसे प्रतिदिन बैठते हैं गुरुआ। दान ग्रहण कीजिए, ये हमारा आदेश है। गुरुवार कहाँ प्रस्थान किए जा रहे हैं आप? सिंहासन पर बैठने के लिए महाराज, आपने तो कहा। अद्भुत गुरुवार, अद्भुत। आइए आइए, आप ही बैठ जाइए सिंहासन पर। हमारी ये राजसी पगड़ी भी आप ही पहन लीजिए। आपका राज अभिषेक, राज तिलक सभी कर देते आप यहाँ बैठे और हम चले जाते वनवास में। आपको हो क्या गया है गुरुवर? आप अपने स्थान पर जाकर बैठिए। आज प्रातः काल से ही कुछ सही नहीं हो रहा है। कौन है जिसने हमारी पूजा अर्चना, हमारे अनुष्ठान में बाधा डाली? कौन है जो हमें पुष्प उपलब्ध नहीं करा सका? महाराज, उसे प्रस्तुत किया जाए। प्रणाम महाराज। महाराज, ये रमन्ना है। प्रातःकाल आपके पूजा गृह में पुष्प उपलब्ध करना इसका दायित्व है, परंतु आज ये अपना दायित्व पूर्ण नहीं कर पाए। पुष्प क्यों उपलब्ध नहीं हुए? मेरा कोई अपराध नहीं महाराज, मुझे क्षमा करें। आज पुष्प देने वाली सावित्री पुष्प लेकर महल में आई ही नहीं, इसी कारण मैं पूजा गृह में पुष्प उपलब्ध नहीं करा सका। सावित्री को प्रस्तुत किया जाए। प्रणाम महाराज। पुष्प उपलब्ध क्यों नहीं? महाराज, आपको तो ज्ञात ही है, वो मेरी सहेली सरला जो यहाँ मछली लेकर आती है। हाँ अवश्य, राजा है हम विजयनगर के, आप प्रजा है तो नाम पता सभी ज्ञात होना चाहिए हमें। आपकी सहेली सरला, दूसरी सहेली अचला। अचला नहीं महाराज, उसका नाम कमला है। पुष्प उपलब्ध क्यों नहीं हुए? सरला खा गई, सावित्री खा गई, कौन खा गया? खा नहीं गई महाराज, आ गई। वो मेरे घर मछली का टोकरा लेकर आ गई और वहीं रुक गई। मछली की गंध से मैं सारी रात सो नहीं पाई। प्रातः काल आँख लगी, फिर उठ नहीं सकी और पुष्प भी एकत्रित नहीं कर पाई। महाराज, इसमें मेरी कोई त्रुटि नहीं। सरला को प्रस्तुत किया जाए। हमें क्षमा करें प्रभु, आपके कारण सावित्री सो नहीं पाई और उस कारण वो रमन्ना को पुष्प नहीं दे पाई और रमन्ना हम तक पुष्प नहीं उपलब्ध करा पाए। अब आप बताइए, आप दोषी हैं कि नहीं? अब देखो हम क्या करते हैं, देखो हमारी बुद्धि का चमत्कार। महाराज, ये सरला की त्रुटि नहीं, अभी तू इसका षड्यंत्र है। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र गुरुवार, स्पष्ट कीजिए। महाराज, समस्त विश्व को विदित है कि पुष्प की गंध सभी को प्रिय होती है किंतु मछली की नहीं, और सब कुछ जानते हुए भी ये मछली लेकर पुष्प वाली के यहाँ गई, जिससे मछली की गंध से वो सो ना पाए, अंततः आपके अनुष्ठान में व्यवधान हो जाए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं गुरुवर? हमारी पूजा में विघ्न डालकर सरला को क्या लाभ होगा? आपको हो क्या गया है गुरुवर? जैसे सावित्री देवी को पुष्पों के गंध से निंद्रा आती है, ठीक उसी प्रकार सरला देवी को मछली की गंध से निंद्रा आती होगी। ये उनका स्वभाव है, सभी का अपना अपना स्वभाव होता है। होता है कि नहीं? होता है, होता है। गुरुजी, तो आप बैठ जाइए और अपना मुंह बंद रखिए, अन्यथा मुंह की खाएंगे आप। बैठ जाइए। हाँ तो सरला देवी, आप स्पष्ट कीजिए, मछली लेकर आप वहाँ रुकी क्यों? क्या करती महाराज, मछली से हमारा जीवन यापन होता है, हम उसे फेंक नहीं सकते थे। वहाँ रुकना हमारे लिए अनिवार्य हो गया, क्योंकि वो चंद्रिया नहीं आया ना, सारा दोष उस चंद्रिया का है। अब ये चंद्रिया कौन है? वही बैलगाड़ी वाला, जिसकी बैलगाड़ी में हम घर वापस लौटते हैं, और उस दिन वो आया नहीं, फिर हम लाचार हो गए और हमें सावित्री के घर पे रुकना पड़ा। आप सभी ने सब कुछ देखा और सुना, दरबार में आप सभी अनुभवी और बुद्धिमान हैं। बताइए कौन है वास्तविक अपराधी, अन्यथा हम सभी को दरबार से निष्कासित कर देंगे।
क्षमा करें प्रभु, सारा दोष उस चंद्रिया का है। अब ये चंद्रिया कौन है? आपको विदित नहीं है महाराज? हमें विदित नहीं है, क्षमा करें, आप ही बता दीजिए कौन है चंद्रिका। महाराज चंद्रिका नहीं, चंद्रिया। अरे हाँ हाँ, चंद्रिया चंद्रिया, पर हुआ क्या, क्या किया चंद्रिया ने? वो आया नहीं। कहाँ नहीं आया देवी, कहाँ आना था चंद्रिया को, और है कौन चंद्रिया? वही बैलगाड़ी वाला, उसी की तो बैलगाड़ी में हम घर वापस लौटते हैं, और उस दिन वो आया नहीं, फिर हम लाचार हो गए और हमें सावित्री के घर पे रुकना पड़ा। चंद्रिया को प्रस्तुत किया जाए तत्काल। प्रणाम महाराज, हमें क्षमा करें, हमारी पत्नी गर्भवती है, वह मायके गई हुई है, और हमारे बड़े पुत्र का अचानक से स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, इसलिए हमें घर पे रुकना पड़ा, हम लाचार थे प्रभु। यदि हमारी पत्नी मायके नहीं गई होती तो वह घर में होती, और हम मछली वाली को उसके घर ले आते, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है महाराज। प्रणाम महाराज, हर गर्भवती स्त्री अपने सातवें मास में मायके जाती है, इसमें अपराध क्या है प्रभु? रोहिणी सही कह रही है महाराज, सत्य है तुम्हारा कथन, मायके जाना कोई अपराध नहीं है, परंतु तुम इस समय गर्भवती क्यों हुई? पूज्य गुरुवर, एक सौभाग्यवती स्त्री का विवाह के उपरांत गर्भवती होना तो प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसमें ये अपराधी कैसे हुई? अपराधी हुई? हाँ महाराज। नहीं 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 महाराज। और गुरुवर, कौन से शास्त्र में पढ़ा आपने ये सब? हमें तो निश्चित रूप से लगता है कि आपको कुछ हो गया, और हमारे विचार से आपको अभी अपने आवास जाना चाहिए और विश्राम करना चाहिए, आपको विश्राम की आवश्यकता है। नहीं नहीं महाराज, हमें कुछ नहीं, हम स्वस्थ। तो फिर बैठ जाइए अपने स्थान पर। जी। लगता है महाराज आज कुछ अप्रसन्न है, कहीं हमें निष्कासित न कर दें, जो प्लान है उत्तम होगा। आप सभी ने सब कुछ देखा और सुना, अब आप सबको ये निर्धारित करना है कि वास्तविक अपराधी कौन है। आपकी मन स्थिति और कौन? कुछ कहा आपने? नहीं 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 महाराज, कुछ नहीं कहा। बताइए शांत क्यों हो गए? दरबार में आप सभी अनुभवी और बुद्धिमान हैं। बताइए कौन है वास्तविक अपराधी? रमन्ना अपराधी है महाराज। सावित्री अपराधी है? नहीं महाराज, चंद्रिया अपराधी है। मछली वाली सरला प्रभु, आप सभी का निष्कर्ष अनुचित है, और हम विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय आप सभी को इसी क्षण इस दरबार से निष्कासित करते हैं। चले जाइए। धनमणि कहाँ गए? महाराज महाराज, हमें क्षमा करें, अति आवश्यक कार्य है, विजयवाड़ा में एक समस्या आन पड़ी है, उस समस्या का समाधान करने के लिए हमारा वहां उपस्थित होना अत्यंत आवश्यक है। आज्ञा दीजिए महाराज। गुरुवार जी महाराज, आप बताइए हमें, पंडित हैं आप, हमारे गुरु हैं, आचार्य हैं विजयनगर राज्य के, बताइए कौन है इनमें से वास्तविक अपराधी? महाराज हमारा आपसे निवेदन है, आप हमें एक दिवस का समय दे दीजिए, हम वास्तविक अपराधी को अवश्य आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। एक दिवस का समय उचित है गुरुवर, हम आपको एक दिवस का समय देते हैं, और एक दिवस के पश्चात
आप हमको बताएंगे कि इनमें से वास्तविक अपराधी कौन है। धन्यवाद महाराज। क्या करेंगे? पंडित रामकृष्ण मियानी अन्यथा मुझे फंसा देते। पूछ लो, वो कहेंगी लड्डू, मैं समझूंगा हलवा। हम उनसे वार्तालाप नहीं कर रहे। अरे पर हो माँ, क्या खाओगी? ये क्या होता है? अम्मा केले इतने बड़े नहीं होते, काट के खाने पका के। अरे हाँ, मदिरा पियोगी अम्मा? अरे बस 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 अम्मा, बहुत हुआ ये मौन व्रत, आज से तुम्हारा मौन व्रत समाप्त। और शारदा महोदया, तुम्हारा मौन व्रत आज से शुरू। ना देखती हो ना समझती हो कि पति कितना चिंतित है, बस उलाने देना आरंभ कर देती हो। तुम्हारा तो ना बोलना ही बेहतर है। नहीं, बस मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे यहाँ इतनी भूख लगी है और इनका ये झगड़ा ही समाप्त नहीं होता। अरे पति की भूख का कोई महत्व नहीं है। ये गुंडप्पा, इसे भी सबक सिखाना ही पड़ेगा, बड़ा चतुर बना फिरता है। वही तो समस्या है, मैंने क्या किया? तू कुछ करता ही नहीं है, दिन भर बस क्रीड़ा 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 और उल्टी पुल्टी बातें। अब यदि कोई भी शरारत की ना तो वृक्ष पर उल्टा लटका दूंगा, बता रहा हूं। देखा शारदा, खुजली केवल महाराज को नहीं, इन्हें भी महाराज की खुजली है। सही कह रही हैं आप अम्मा, दरबार से निष्कासित कर दिया है इसलिए गुस्सा हम पर उतार रहे हैं। अरे महाराज, आप ये किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं? आपने राज दरबार से सभी को निष्कासित कर दिया। हम जो कर रहे हैं उचित कर रहे हैं। यदि कल आचार्य तथा आचार्य आपके प्रश्नों का उत्तर ना दे पाए तो आप उन्हें भी निष्कासित कर देंगे? हाँ, निष्कासित कर देंगे। परंतु महाराज, यदि आप सभी को निष्कासित कर देंगे तो आप इतने बड़े राज्य का कार्यभार कैसे संभालेंगे? उसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। हम जो कर रहे हैं आवश्यक है, अति आवश्यक है। सभी ने परिहास समझ लिया है, अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हैं सब। तो हम कर रहे हैं ये सब के लिए सबक है, पंडित रामकृष्ण के लिए भी और सभी सभासदों के लिए भी। यदि आपको उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो कौन है दोषी? ये ज्ञात नहीं हुआ तो उत्तर भी अवश्य मिलेगा और सभी को सबक भी। आप इतने आश्वस्त कैसे हैं? महारानी चिन्ना देवी, ये तो शाश्वत सत्य है, मनुष्य को जब भी प्यास लगती है वो कुएं के समीप ही जाता है। क्या सोच रहे हैं गुरुजी उस वांछित अपराधी के बारे में? ना पहले हमें ये बताओ, दरबार में हमें अकेला छोड़कर कहां पलायन कर गए थे? गुरुजी, अगर दरबार से पलायन नहीं करते तो और दरबारियों की तरह दरबार से निष्कासित हो जाते ना, इसलिए। और नहीं तो क्या गुरुजी, आपके भरोसे रहते तो निष्कासित हो ही जाते। आपको भी भला कहां गया था महाराज के प्रश्न का उत्तर? सत्य है आचार्य, यदि आपने उत्तर दे दिया होता तो मैं भी निष्कासित होने से बच जाता। चुप करो, सबके सब चुप करो, हमें भी तो उत्तर ही चाहिए। गुरुदेव, आपने हमें यहाँ अचानक उपस्थित होने का संदेश किस प्रयोजन से भेजा है?
महाराज के प्रश्न का उत्तर और वास्तविक अपराधी के नाम जानने के लिए हमने आवश्यक बैठक बुलाई है। अब आप महामंत्री बताइए, आप कौन है अपराधी? आचार्य, यदि हमें यह उत्तर ज्ञात होता तो अति आवश्यक कार्य का कारण देकर हमें राज दरबार से भागना नहीं पड़ता। और चतुर है आप। धन्यवाद आचार्य। महामंत्री जी, यदि हमने महाराज के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो कल दरबार से हमारा निष्कासन भी निश्चित है। क्या करें हम? गुरु माता के साथ विश्व भ्रमण पर जाएं गुरुदेव। हे भगवान, महामंत्री जी, हमने निष्कासन के बाद क्या करना है ये प्रश्न नहीं पूछा आपसे। निष्कासन से कैसे बचा जाए ये प्रश्न पूछा है आपसे। इसका एक ही उपाय है आचार्य। क्या? केवल एक ही व्यक्ति है जिसे इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात है। हाँ गुरुजी, आपको भी भली भांति ज्ञात है ना कि इस प्रश्न का उत्तर आखिर है किसके पास, है ना? पूरे विजयनगर में एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसके पास हर समस्या का हल होता है गुरुजी। होगा, हमें स्मरण नहीं है। सोचिए गुरुवर। सोचिए गुरुवर। सोच लिया है। हमारा विचार है कि हम स्वयं वास्तविक अपराधी का पता लगाएंगे। हट मत करिए गुरुवर, बुलवाइयों में। कदापि नहीं, हमारा निर्णय कदापि परिवर्तित नहीं होगा। स्वामी, क्या असली अपराधी का पता कैसे ज्ञात होगा? इसका उपाय हमें ज्ञात है। तुम्हें? जी। बहुत अच्छा, बताओ कैसे? बस आपके गले में रस्सी बांधनी पड़ेगी। हमें फांसी पर लटकाना चाहती हो? नहीं नहीं स्वामी, आपके गले में रस्सी बांधकर आपको कुएं में लटका देंगे बीचों बीच। उसके बाद आपको जल में डुबो देंगे, इससे आपका मस्तिष्क शीतल होगा और आप स्मरण कर पाएंगे कि असली अपराधी कौन है। मस्तिष्क नहीं, हम पूरे के पूरे शीतल हो जाएंगे। हाँ। मस्तिष्क के साथ साथ शांत हो जाएंगे सदैव सदैव के लिए। हाँ। रामार, रामार। अब समझे गुरुजी, यही उचित है। राम का नाम लेने से ही समस्या का हल प्राप्त हो पाएगा। जी गुरुजी। ठीक, हम कल प्रातःकाल पंडित रामाकृष्णा के निवास पर जाएंगे। अब उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। आचार्य, हम कब से आपसे यही तो निवेदन कर रहे थे। देखिए, आप स्वयं पंडित रामाकृष्णा के आवास पर जाकर उनसे निवेदन कीजिए, तभी वो अवश्य आपकी सहायता करेंगे। हाँ, परंतु हम अकेले नहीं जाएंगे, आप सब भी हमारे साथ चलेंगे। हम भी चलेंगे। जा रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या कारण है। दादा, लगता है उस कौवे को भी निष्कासित कर दिया गया है, इसलिए केवल काँव काँव कर रहा है। कौवे का काँव काँव करने का मतलब है कि कोई अतिथि आने वाला है। शारदा के घर से ही कोई आने वाला होगा। हमारे परिवार में आने के लिए कोई जीवित तो रहा नहीं। तुम दोनों के चेहरों के भाव से लग रहा है कि तुम्हारे बीच का युद्ध समाप्त हो गया है। बोलचाल फिर से आरंभ हो गई? नहीं, अब क्या करें? तुम दरबार से निष्कासित होके यहाँ पर घर पर बैठे हो, हम सब पर चिल्ला रहे हो, इसलिए हमने अपना झगड़ा एक अंतराल के लिए स्थगित कर दिया है। अवसर मिलने पर पुनः प्रारंभ कर ले। दत्ताचार्य और सब लोग आए हैं। है? ये सब यहाँ? अम्मा, अतिथि नहीं
पूरी बारात आ रही है, इनकी आवभगत करते हैं। आप सब यहीं ठहर जाइए, आपको भीतर प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं। मनी मनी। जी गुरुजी। इधर जाओ, पंडित रामकृष्ण को सूचित करो, उसे कहो कि आचार्य तथाचार्य पधारे। रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। क्या मतलब? इसका कहने का मतलब है गुरुजी, हमें ही अंदर प्रवेश करना होगा। पंडित रामकृष्ण बाहर आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। इससे अच्छा हम वापिस चलते। चलिए। नहीं नहीं गुरुजी, मणि तो मुंह रखे। आप ये सोचिए कि अगर महाराज को उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले तो आपको भी दरबार से निष्कासित कर सकते हैं। ये भी हो सकता है। तो चलते। भोजन का प्रबंध करके आते हैं। जी। तो सारा प्रकरण इस प्रकार है। महाराज को अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए और वास्तविक अपराधी की पहचान भी। चलिए चलिए पंडित रामकृष्णा, उठिए और तत्काल वस्त्र धारण कर हमारे साथ प्रस्थान कीजिए। हम आपसे कह रहे हैं, चलिए चलिए और शीघ्रता से चलकर महाराज की समस्या हल कीजिए। हम राजपुरोहित तथाचार्य आपसे कह रहे हैं, उठिए। ओहो हो हो हो, गुरुवर मैं आपके साथ चल तो लूं, परंतु क्या करूं, थोड़ा लाचार हूं। अब ये झूला रुके तो मैं नीचे उतरूं, मैं नीचे उतरूं तो मैं जाकर तैयार हूं, मैं तैयार हूं तो फिर मैं आपके साथ चलूं ना, परंतु क्या करूं, ये झूला रुकता ही नहीं। क्यों है गुंडप्पे? झूला रुक नहीं रहा है। झूला नहीं रुक रहे, क्या तात्पर्य क्या है आपका? है गुरुजी, क्या है? जिस प्रकार आप कह रहे हैं ना, हमें नहीं लगता कि ये झूला कभी रुकने वाला है। गुरुजी, ऐसे आप अनुरोध करेंगे? इतनी प्रेम से अनुरोध कीजिए ना, कमर झुका के झूला रोकिए गुरुजी। यदि झूला नहीं रुका तो ना आपके पास कल झुकाने के लिए कमर होगी और ना बोलने के लिए गला होगा। वो सोचिए फिर सुदामिनी देवी का क्या होगा, जो आपके सहारे जीती है, जिसके सहारे आप जीते, फिर तो उसे किसी और सहारे की जरूरत पड़ेगी ना। कमर झुकाइए, रोकिए झूला। पंडित रामकृष्णा। जी गुरुवर। हमारा आपसे निवेदन है, आप झूले से उतरिए, हमारे साथ चलिए और महाराज के प्रश्न का उत्तर दीजिए, अन्यथा आपके जीवन पर, हमारा कहने का तात्पर्य है कि हम सबके जीवन पर और सम्मान पर विपत्ति आ जाएगी। समझ रहे ना आप? अब देखिए ये बेचारा कोतवाल निष्कासित हो चुके हैं, उनकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा, विचार कीजिए। क्या हुआ? नहीं गुरुवर, महाराज के प्रश्नों का उत्तर मेरे पास तो नहीं है। ऐसा मत कीजिए पंडित रामकृष्णा, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं जिसका उत्तर आपके पास ना हो, कृपया करके चलिए ना। जी, प्रश्नों के उत्तर मस्तिष्क में आते तो हैं, परंतु फिर चले जाते हैं। एक उपाय है, यदि आप मेरे कहने पर एक कार्य करें तो संभवतः मेरे मस्तिष्क में प्रश्नों के उत्तर आ सकते हैं। आदेश दीजिए पंडित रामकृष्ण, आज आप बस आदेश दीजिए। आप जो भी कार्य जिस भी प्रकार करने को करेंगे, हमारे गुरुजी वही कार्य उसी प्रकार करेंगे। क्या करें, क्या चाहते हैं आप, कैसे चलेंगे आप? पालकी पर लेके जाए, पालकी उठाए उस पर लेके जाए आपको? तभी तो गुरुवर आपको सब इतना बुद्धिमान समझते हैं, यही तो वो कार्य है। आप चारों पालकी में मुझे बिठाकर पूरे नगर में भ्रमण कराते हुए राज दरबार पे लेके चलेंगे, पूरे रास्ते मेरा गुणगान करेंगे, मेरी जय जयकार करें, मेरे लिए एक भजन भी गाया जाए, फिर राज दरबार में पहुंचकर मुझ पर पुष्पों की वर्षा की जाए, मेरी आरती उतारी जाए, मेरा मनपसंद शरबत भी मुझे पिलाया जाए, तब कहीं जाकर मुझे प्रश्नों के उत्तर और वास्तविक अपराधी का नाम कदाचित सूझ सकता है।
पंडित रामाकृष्णा, हमने ऐसा कार्य कभी किया नहीं है ना। तो करेंगे करेंगे भाई। ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जो मनुष्य जीवन में प्रथम बार संपन्न करता है, हम भी करेंगे। हाँ, करेंगे। महत्वपूर्ण तो ये है कि प्रश्न का उत्तर मिले। साफ हो जाएगा पंडित रामकृष्ण, साफ हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें। आपको पता नहीं है आज प्रातःकाल ही हमारे गुरुजी ने बादाम का हलवा खाया है। आपको ये भी नहीं पता है हमारे गुरुजी के बाजुओं में कितनी शक्ति है। अच्छा पंडित रामकृष्ण, यदि हम आपको पालकी और चार तारों के साथ आने का आदेश दें तो चलेगा? गुरुवर, यदि मैं मेरी जगह गुंडप्पे को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भेज दूं तो चलेगा? तो बच्चा है, ये क्या उत्तर देगा, ये इसका कार्य नहीं है। सत्य वचन गुरुदेव, जिसका जो कार्य होता है उसे ही करना पड़ता है गुरुदेव। ये नहीं चलेगा। गुरुजी, गुरुजी, ये कार्य भी संपन्न कर लीजिए। गुरुजी, आप ही का तो कथन है गुरुजी। लड़की आपत्ति के समय गधे के लिए पैर पकड़कर उसे पिता तुल्य आदर देना चाहिए। जैसे हमने आपके पैर पकड़ रखे हैं गुरुजी, मान जाइए गुरुजी। नहीं चलेगा, परंतु चलाना पड़ेगा। अच्छा सुनो, आदरणीय पंडित रामकृष्णा जी जैसा कह रहे हैं वैसा ही करो। आप सभी आदरणीय पंडित रामकृष्णा जी को पालकी में बिठा कर उठाने के लिए तत्पर हो जाओ। परंतु गुरुवर, इस कार्य के अतिरिक्त जो अन्य कार्य भी हैं, वो भी आपको स्मरण है ना? क्या पंडित रामकृष्ण, कुछ अधिक तो नहीं हो गया? ऐसा क्या? आप प्रस्थान कीजिए, आप जो बोलेंगे ये सब कुछ करेंगे। जी। विजयनगर में प्रिय है एक नाम, विजयनगर में प्रिय है एक नाम, आज सबके बिगड़े काम, बनाते सबके बिगड़े काम। कौन है वो? कौन कौन कौन? कौन है वो? कौन कौन कौन? रामा कृष्णा, रामा कृष्णा, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। आचार्य, अरे ठीक से गाइए, अगर पंडित रामकृष्ण को पता चल गया तो आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। हे भगवान, बोलो रामा कृष्णा, बोलो रामा कृष्णा, बोलो रामा कृष्णा। हे भगवान, पीड़ा से हमारा शरीर टूटा जा रहा है। गुरुजी, नैया पल की पार लगाएगी, कहीं गुरुजी के जीवन की नैया ना पार लग जाए। हमारे गुरुजी को इतना भारी बोझ उठाने की आदत नहीं है ना, बुढ़े हो गए। आचार्य, पालकी उठाए रखिए, अन्यथा रामकृष्णा का मन बदल जाएगा। गुरुवर, पालकी उठा रहे हैं। महाराज की जय हो। इनसे पालकी उठाने का दुस्साहस किसने किया? युवक, वो पालकी देख रहे हैं आप? उस पालकी में जो भी व्यक्ति बैठा है उसे उसके दुस्साहस का दंड मिलना चाहिए। जाइए, उसे उस पालकी से उतारिए और उसे इतना मारिए कि आज के पश्चात वो कभी किसी पालकी में बैठने के योग्य ना रहे। जाइए। जो आज्ञा हो महाराज। हे मां काली, रक्षा करना। अभी कौन सा संकट है जो माँ काली को स्मरण कर रहा है? बंधु, संकट वहाँ ऊपर वातायन पर है। महाराज ने गुरुवर को मेरी पालकी उठाते हुए देख लिया है, अब तो वो शिखा पकड़ के मारेंगे। रामा, तेरा हर दंड मुझसे ही क्यों प्रारंभ होता है? चुप कर, वार्तालाप बंद कर, पालकी से उतरना होगा। गुरुवर, गुरुवर, पालकी रोके, पालकी रोके। रुकी, रुकी। अरे मर गए, मर गए। गुरुवर, क्या है? बैठिए। कहाँ बैठिए? पालकी में गुरुवर, और कहाँ, अब पालकी मैं उठाऊंगा। पंडित रामकृष्ण, क्यों उपहास कर रहे हो हमारे साथ? गुरुवर, मेरा मुख देखिए, कितना गंभीर हूं मैं।
आप महान हैं, महापुरुष हैं, महाज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं। तो आप जैसे महापुरुष को पालकी में बैठना चाहिए और मुझ जैसे तुच्छ और सामान्य मनुष्य को पालकी उठानी चाहिए। अतः पालकी मैं उठाऊंगा। हाँ अवश्य। भगवान भगवान रुकिए रुकिए, पालकी उठाना मत। इसी में है वो जिसे महाराज ने दंड देने का आदेश दिया है। मारो। रुकिए रुकिए रुकिए, मत मारिए। महाराज ने इसे दंड देने का आदेश दिया है, हम उनकी आज्ञा टाल नहीं सकते। हमें मारोगे? हमें मारोगे? जानते हो कौन है हम? गुरुदेव आप क्षमा कीजिए। गुरुदेव मूर्ख, चलो आप सब पालकी उठाओ। क्षमा कीजिए पंडित जी, आप दरबार से निष्कासित हैं, हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। लेकिन हम तो निष्कासित नहीं है ना, हम राजपुरोहित तथाचार्य आज्ञा दे रहे हैं। धाइए पालकी। जी गुरुवर। बैठिए। जी धाइए। रुकिए, मैं राज दरबार में प्रवेश नहीं करूंगा। ये क्या कह रहे हो पंडित रामकृष्ण? शांत गुरुवर शांत, कदापि आप भूल रहे हैं कि मेरा निष्कासन आप ही ने करवाया है। अब यदि मैं भीतर गया तो महाराज की आज्ञा का उल्लंघन होगा ना। हे भगवान। रुकिए, हम अभी आते हैं। प्रणाम आचार्य। महाराज की जय। क्या हुआ गुरुवर, आप इस अवस्था में? हुआ क्या है गुरुवर, आप अस्त व्यस्त लग रहे हैं। नहीं कुछ विशेष नहीं महाराज, वो थोड़ी पीड़ा है कमर में। सत्य बताए गुरुवर, आपसे पालकी उठवाने का दुस्साहस किसने किया? पालकी? किसने उठाई पालकी? हमने नहीं उठाई पालकी। महाराज ये अवश्य समझने में भूल हुई, हम तो पालकी के अंदर बैठे थे। हमें प्रतीत हुआ के पालकी गुरुवर ने उठाई थी। हमारा आपसे एक निवेदन है महाराज। कहिए। निवेदन ये है महाराज के पंडित रामाकृष्णा पर दरबार से निष्कासन का आदेश निरस्त कर दिया जाए, उन्हें उनके अपराध का दंड पर्याप्त मिल चुका है महाराज। अब उन्हें दरबार में उपस्थित होने की अनुमति मिल जानी चाहिए महाराज। नहीं, हम पंडित रामकृष्ण को भीतर आने की अनुमति नहीं देंगे। महाराज, महाराज पंडित रामकृष्ण ने अनेक अवसरों पर इस राज दरबार की समस्याओं का समाधान किया है, तो एक अवसर तो उन्हें उपलब्ध करवाना चाहिए महाराज। जी, और आपके प्रश्न का उत्तर भी वही देंगे। अर्थात? हमारा तात्पर्य है महाराज कि आप तो प्रवृत्ति से दयालु हैं, आपने सदैव क्षमा करने की मंशा रखी है, तो पंडित रामकृष्ण को भी क्षमा कर ही दीजिए महाराज। ठीक है गुरुवर, यदि आप इतना आग्रह कर रहे हैं, इतनी अनुशंसा कर रहे हैं, तो हम पंडित रामकृष्ण को दरबार में आने की अनुमति दे देते हैं। महाराज, देखते हैं हम भी क्या वो हमारे प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं या नहीं। जी महाराज। मंत्रीवर। महाराज, पंडित रामकृष्ण को प्रस्तुत किया जाए। महाराज, पंडित रामकृष्ण आपके समक्ष एक विशेष ढंग से उपस्थित होना चाहते हैं, उन्हें उपस्थित होने की अनुमति दी जाए महाराज। वो जैसे भी आना चाहते हैं उनको आने की अनुमति है, हमें बस हमारे प्रश्न का उत्तर चाहिए। जी महाराज। पंडित रामकृष्ण, हमने महाराज से अनुरोध करके दरबार से आपका निष्कासन निरस्त करवा दिया है, अब चलिए अंदर और महाराज के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अच्छा, आपने कह तो दिया गुरुवर, परंतु मुझे विश्वास नहीं। मैं कैसे मान लूं कि महाराज ने मेरा निष्कासन निरस्त कर दिया है? हे भगवान, क्या आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है? गुरु जी, आप पर तो आपको स्वयं विश्वास नहीं है, किसी और को भला क्या होगा। पंडित रामकृष्ण, आप दरबार में प्रवेश कर सकते हैं,
महाराज ने आपका निष्कासन निरस्त कर दिया है। अरे वाह, धन्यवाद मंत्रीवर, बड़ी प्रसन्नता हुई। चलिए अब पालकी उठाइए, अब मैं दरबार में अवश्य जाऊंगा। प्रपंच है? प्रपंच नहीं है महाराज, ये तो इन सभी का प्रेम है, सम्मान दे रहे हैं मुझे। आप यहाँ हमारे प्रश्नों का उत्तर देने आए हैं या हमारे साथ परिहास करने आए हैं, हमारा अपमान करने आए हैं? महाराज, मैं यहाँ आपके प्रश्नों का उत्तर ही दे रहा हूँ। तो ये कैसा उत्तर हुआ? हम कुछ समझे नहीं पंडित रामकृष्णा, बात को स्पष्ट कीजिए, उत्तर दीजिए हमारा कि कौन है इनमें से वास्तविक अपराधी। महाराज, अपराधी आप हैं। आप पंडित रामकृष्णा, हमारे संयम की परीक्षा मत लीजिए। आपको क्या है कि आप क्या कर रहे हैं? क्षमा चाहता हूं महाराज, परंतु इस दरबार में आपके सहित जितने भी सभासद उपस्थित हैं, सभी अपराधी हैं, या यूं कहूं तो कोई भी अपराधी नहीं। इसे राज दरबार में लाकर उचित ही किया हमने, अब इसे निष्कासन नहीं प्राण दंड मिलेगा। अपना कथन सिद्ध कीजिए पंडित रामकृष्णा। महाराज, अपराधी मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताओं के कारण ही मनुष्य सब करता है, आवश्यकता के कारण ही मनुष्य एक गधे को पिता तुल्य सम्मान देता है, और ये मैंने अभी सिद्ध कर दिया। कैसे? महाराज, आपने अभी देखा कि आवश्यकता थी तो मुझे पालकी में बिठाकर मेरा गुणगान करते करते मुझे राज्यसभा में लाया गया है, मेरा स्वागत सत्कार किया गया, अभिवादन किया गया। उसी प्रकार आपको अनुष्ठान में पुष्पों की आवश्यकता थी, रमन्ना को पुष्प वाली सावित्री की, सावित्री को निद्रा की, सरला को बैलगाड़ी वाले चंद्रैया की, चंद्रैया को अपने पुत्र के समीप रहने की, चंद्रैया की पत्नी को अपने मायके जाने की। अतः इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण ही ये सब। ऐसी कौन सी आवश्यकता थी आपकी पंडित रामकृष्णा? आपके प्रति भक्ति और इस राज्य के प्रति कर्तव्य। इसी वजह से मैं निष्कासित होने के पश्चात भी राज दरबार में उपस्थित हुआ। महाराज, ये तो सर्वविदित है कि प्राचीन काल से आज तक हम आवश्यकताओं के कारण ही उन्नति कर पाए हैं। पंडित रामकृष्णा, अभी आप कह रहे थे कि आवश्यकता ही अपराधी है, और अब आप कह रहे हैं कि आवश्यकता के कारण ही उन्नति हुई। जी गुरुवर, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। पहले मनुष्य पैदल चला करता था, फिर उसने बैलगाड़ियों और रथों का निर्माण किया, वनों में रहता था, फिर उसने सुरक्षा और विलासिता के लिए महलों और घरों का आविष्कार किया। कितनी शीतलता है यहाँ, इससे मुक्ति पाने के लिए इन वस्त्रों का निर्माण किया गया, महल को उष्म रखने के लिए आग जलाने का विचार आया। ये सब आवश्यकता की ही तो उपज है, और यही आवश्यकताएं दोषी भी है। तो यदि ये आवश्यकताएं दोषी नहीं, तो यहां उपस्थित कोई भी दोषी नहीं, और यही आपके प्रश्नों का उत्तर है महाराज। अद्भुत पंडित रामकृष्णा, अद्भुत, हमें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। वाह पंडित रामकृष्ण, आपने बहुत ही सुंदर और सटीक उत्तर दिया।
बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, वाह वाह। परंतु महाराज, कथनी और करनी में तो अंतर होता है। आप कहना क्या चाहते हैं गुरुवर? महाराज, यदि आवश्यकता ही सब कुछ है तो संसार में कोई किसी का हितैषी नहीं, बिना स्वार्थ के कोई संबंध नहीं। कटु है परंतु सत्य तो यही है गुरुवर। अर्थात आप ये कहना चाहते हैं कि आवश्यकता और विवशता के कारण इंसान कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है? हम एक बार फिर से पूछ रहे हैं पंडित रामाकृष्णा, कुछ भी कर सकता है? मैं भी एक बार फिर से कह रहा हूं गुरुवर, कुछ भी कर सकता है। अर्थात इस शीत ऋतु में मात्र एक छोटी में नदी के शीतल जल में पूर्ण रात्रि खड़ा हो सकता है, वो भी बिना किसी सहारे के। यदि उसकी आवश्यकता और व्यवस्था अधिक होगी तो अवश्य खड़ा रहेगा। पंडित रामाकृष्णा, क्या आप इस बात को सिद्ध कर सकते हैं? हम गुरुवर के कथन से सहमत हैं। पंडित रामाकृष्णा, आप अपनी बात सिद्ध करके बताइए। अवश्य महाराज, आप 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार घोषित कर दीजिए। जिसकी भी आवश्यकता और व्यवस्था होगी वो इस विषम कार्य को अवश्य करेगा। अनुमति है। सुनो सुनो सुनो, समस्त विजय नगर वासियों सुनो, इस शीत ऋतु में जो भी नगर निवासी मात्र एक वस्त्र धारण करके नदी के शीतल जल में पूर्ण रात्रि खड़ा रहेगा, महाराज कृष्णदेव राय उसे 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार देंगे। शीतल लहर चल रही है, कोई मूर्खी होगा जो पूर्ण रात्रि शीतल जल में खड़ा रहेगा। 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार है? अरे जीवित ही नहीं रहेंगे तो स्वर्ण मुद्राओं का क्या करेंगे? सत्य कह रही हो, संभव ही नहीं। शीतल जल में एक पहर कोई खड़ा नहीं रह सकता, पूरी रात क्या रहेगा? नहीं 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 अम्मा, आप कहीं नहीं जाएंगे, रुक जाइए। अरे जाने ना मेरे को, नहीं। अरे अम्मा, हमने आपसे कहा ना आप कहीं नहीं जाएंगे, रुकिए। अरे रुकिए अम्मा, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, रुक जाइए। रामा तू ही बता, अम्मा को दाना दे के नहीं? अम्मा कहाँ जाने के लिए इतनी उतावली हो रही हो तुम? क्या जब से राज्य की ओर से की गई घोषणा सुनी है तब से अम्मा हट कर रही है कि किसी नदी के शीतल जल में जाकर पूरी रात्रि खड़ी रहेंगी और 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार प्राप्त करेंगी। आप बात कर रही हो अम्मा, पागल हो गई हो क्या? इतना अच्छा अवसर कौन हाथ से जाने देता है? अम्मा बढ़िया है कि अवसर ही हाथ से जाने दो, अन्यथा जान हाथ से चली जाएगी। क्यों अपने प्राण संकट में डालना चाहती हो तुम? मुझे कुछ नहीं होगा। होने को अब शेष बचा क्या है और तुम्हें कमाने की क्या आवश्यकता है? मैं हूँ ना। तू है, इसीलिए तो ये सब करना पड़ रहा है, वृद्धा अवस्था की सुरक्षा के लिए। तेरा क्या भरोसा? तू तो कभी दरबार से निष्कासित हो जाता है, कभी कारावास में बंद कर दिया जाता है और कभी तुझे फांसी की सजा सुना दी जाती है, इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा। जाने दो, 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा बहुत कम है, मैं उनसे कितनी घंटियां लूंगा। कितनी घंटियां लूंगा? वाह वाह, चुप चुप, बढ़ाया घंटियां लेने वाला। शारदा एक काम करो, शीतल बर्फीला जल स्नान घर में तैयार करो, अम्मा अभी इसी समय स्नान करेंगी, ठीक है अम्मा? नालायक, अरे तू मुझे जीते नहीं मारना चाहता है। अम्मा अरे अम्मा अम्मा रुको रुको रुको, अभी तुम्हें शीतल जल से स्नान भी नहीं करना और यहाँ रात भर नदी के शीतल जल में खड़ी रहोगे तुम, वो भी इस शरद ऋतु में। अम्मा तुम्हारी बची कुची हड्डियां भी गल जाएंगी शीतलता के कारण, ऐसे बर्फ की मूरत बनकर घर लौटोगी तुम। और फिर 10 सहस्त्र मुद्राओं का क्या करोगी? बोलो बोलो बोलो। Woo!
भी नहीं आएगा। किसी की आवश्यकता उसकी बुद्धि से बड़ी नहीं होती। कोई मूर्ख ही ऐसा प्राण घातक कार्य कर सकता। पूर्ण रात्रि नदी के शीतल जल में कोई खड़ा नहीं रह सकेगा, कोई भी नहीं। हमने पंडित रामकृष्णा की बात को असत्य सिद्ध कर दिया। महाराज, प्रणाम महाराज। आइए, कौन है आप? मैं शांतिया हूं मंत्रीवर, महाराज की घोषणा सुनकर आया। मैं पूर्ण रात्रि नदी के जल में खड़ा रहने के लिए तैयार हूं। मूर्खो, जो अपने प्राण त्यागना चाहते हो। मान्यवर, मैं आपके साहस की प्रशंसा करता हूं, परंतु आप जानते हैं ना, जो कार्य आप करना चाहते हैं वो अत्यंत ही कठिन है। जीवन से कठिन कुछ नहीं है पंडित जी, मुझे धन की आवश्यकता है। मेरी व्यवस्था को समझें। ऐसी क्या व्यवस्था है आपकी जो आप अपने प्राण देना चाहते हैं? निर्धनता से बड़ी और क्या व्यवस्था हो सकती है? मेरी पत्नी बहुत अस्वस्थ है, उपचार कराना है। मेरी पुत्री का विवाह तय हो गया है, इस पुरस्कार की आवश्यकता है मुझे। यदि ऐसी परिस्थितियां हैं तो आप महाराज से सहायता मांग सकते थे, महाराज अवश्य आपकी सहायता करते। आत्मसम्मान का क्या होगा? महाराज दयालु हैं, लेकिन मैं भिक्षा नहीं ले सकता। मैं तो ये कार्य करके ही धन लूंगा। देखा गुरुवर, इनकी आवश्यकताएं इन्हें ये करने पर विवश कर रही हैं। ये जानते हैं ये क्या करने जा रहे हैं, परंतु फिर भी ये यहाँ आए। बातें करने वाले बहुत देखे हैं हमने पंडित रामकृष्ण, नदी के शीतल जल में पैर भी नहीं रख पाएंगे ये। ये मात्र दावा नहीं है आचार्य, मैं चुनौती स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हूँ। उचित है, उचित है, परंतु यदि आप चाहे तो हम आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको धन प्रदान कर सकते हैं। भिक्षा लेने से तो प्राण देना अधिक उत्तम है महाराज। एक बार पुनः विचार कर लीजिए। जल इतना शीतल है कि सूर्य के ताप के बाद भी हमारे सेना के हाथी उस जल में प्रवेश करने से भयभीत हो रहे हैं। मैं अपने निर्णय पर अटल हूं महाराज। उचित है, हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं, जैसा आपका निर्णय। तो ये तय रहा, आज रात्रि आप कटी तक शीतल जल में केवल एक वस्त्र में खड़े रहेंगे। यदि कार्य संपन्न हुआ तो कल प्रातःकाल हम आपको 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत करेंगे। ये तो अच्छा हुआ गुरुदेव कि गुरु माता ने आपके लिए कोई इस प्रकार का प्राण नहीं रखा, अन्यथा आपकी तो हड्डियां भी नहीं बचती। गुरुजी, एक काम कीजिए, नदी में उतर के ना एक डुबकी लगा के देख लीजिए कि नदी का जल शीतल है या कहीं उष्ण तो नहीं है। अरे मूर्ख, इस शीत ऋतु में जल उष्ण कैसे हो सकता है?
कोई आश्चर्य नहीं गुरुदेव, पंडित रामकृष्ण तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। क्या पता उन्होंने अपने कथन को सत्य प्रमाणित करने के लिए नदी की शीतलता को उष्णता में परिवर्तित कर दिया हो। गुरुजी, जाकर आचार्य को बाहर निकालिए तुरंत। देखा, बुड्ढे को विश्वास हो गया, चल अत्यंत शीतल है ना। हाँ, किंतु बुड्ढा तो बच गया। आचार्य को उनके आवास पर ले जाइए। एक बार पुनः विचार कर लीजिए शांतैया काका, शीतल जल में वो भी रात्रि भर रहना प्राण घातक हो सकता है। मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, ये अवसर तो मेरे लिए वरदान है, मैं इसे खोने नहीं दूंगा। मुझे भली भांति विदित है कि आप जो भी कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। ठीक है शांतैया काका, आप माँ काली के नाम का जाप करते रहिए, वो आपका कार्य अवश्य सिद्ध करेंगी। मैं भी माँ से आपके लिए प्रार्थना अवश्य करूंगा। मैं आपका बहुत आभारी हूँ पंडित रामकृष्ण जी। माँ काली, इनकी रक्षा करना, इनकी कार्य पूर्ति में सहायक होना, माँ रक्षा करना। चलिए पंडित रामकृष्ण, हम भी इनके लिए प्रार्थना अवश्य करेंगे। शांतैया काका, मन में माँ काली के नाम का स्मरण कीजिए, आपको शक्ति प्राप्त होगी।
बधाई हो शांतैया काका, आपने एक असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। अब आपके और आपके परिवार के सारे संकट दूर हो जाएंगे। आश्चर्य है, आपको कुछ नहीं हुआ, आप ठीक हैं? कहीं कोई चालाकी तो नहीं की आपने? पूर्ण रात्रि नदी के शीतल जल में कैसे खड़े हैं? ये तो असंभव है, पूर्णतः असंभव। रात को चुपके से नदी के बाहर तो नहीं आए? सैनिकों, ये पूरी रात्रि जल में ही थे ना? जी महामंत्री जी, ये रात भर पानी में ही थे। जी मंत्रीवर, एक क्षण के लिए भी जल से बाहर नहीं निकले, पूरी रात जल में ही रहे। मैं स्वयं यहाँ उपस्थित था। अद्भुत कार्य किया है आपने संतैया, कैसे किया? उधर दूर मंदिर में एक दीपक जल रहा था, मैंने अपना सारा ध्यान उस दीपक की लौ की तरफ केंद्रित कर दिया। उसके प्रकाश को अंतर्मन में अनुभव करता रहा, जैसे उष्णता दे रहा हो। माता काली के नाम का जप करते हुए दीपक की लौ पर ध्यान केंद्रित कर शीतलता से ध्यान हटाया। इस प्रकार रात्रि पूरी हो गई। यही तो इन्होंने चालाकी की और सबको धोखा दिया महाराज। अन्यथा कोई किस प्रकार इस शीतल जल में पूर्ण रात्रि खड़ा रह सकता? इन्होंने दीपक का सहारा लिया, उसकी उष्णता ग्रहण की, तभी इस शीतल जल में खड़े रहे। संतैया, आपने कार्य में असफल हुआ है महाराज। अरे, ये कैसा अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं आप गुरुवर? ऐसा कोई बंधन तो नहीं रखा गया था ना कि दूर रखे दिए को नहीं देख सकते? पंडित रामाकृष्णा, क्या ये तय नहीं हुआ था कि एक तिनके का भी सहारा नहीं ले सकते? बोलिए, तय हुआ था या नहीं हुआ था? जी हुआ था, पर हुआ था। अरे तिनका तो छोड़िए, इन्होंने तो पूरे दीपक का सहारा ले लिया, उष्णता ग्रहण कर ली। परंतु गुरुवर, आप क्या परंतु? पंडित रामाकृष्ण, जब देखो किंतु परंतु, इसने शारीरिक अथवा मानसिक जो भी सहारा लिया तो है ना? बोलिए, सत्य है या नहीं है? हाँ सत्य है, परंतु बस हो गया निर्णय महाराज। पंडित रामाकृष्ण ने भी स्वीकार कर लिया कि संतैया अपने कार्य में असफल हुआ है। अब इसे 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं तो क्या, एक फूटी कौड़ी भी प्राप्त नहीं होनी चाहिए। महाराज, प्रतियोगिता तो प्रतियोगिता है और नियम। संतैया नियमों का पालन नहीं कर सका, बात यही समाप्त हो जाती है। क्यों पंडित रामाकृष्णा? पंडित रामाकृष्णा, संतैया काका, आप चिंतित ना हो, आपको न्याय अवश्य मिलेगा। मैं आपको न्याय दिलवाऊंगा। हाँ, इतने सारे व्यंजन हैं, उठा लो और खा लो। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। क्या हुआ? क्यों सुबह से गुमसुम बैठा है? क्यों कोई वार्तालाप नहीं कर रहा? क्या समस्या है जो सोच में डूबा हुआ है? पूछ रहा हूँ अम्मा, शांतैया काका के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने अपने प्राणों की चिंता किए बिना
एक असंभव कार्य को संभव कर दिखाया, परंतु उन्हें न्याय नहीं मिला और यह अन्याय मुझसे सहा नहीं जा रहा। बस आप सही कह रहे हैं, परंतु उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उनका भाग्य है और किसी और के भाग्य में कोई और क्या कर सकता है। हमने कब से थाली आपके सामने रखी है और आप है कि खा ही नहीं रहे। केवल थाली को देखने से पेट नहीं भर जाता, चलिए भोजन कीजिए। क्या कहा तुमने, क्या कहा फिर से कहो। भोजन कीजिए और क्या कहा। नहीं नहीं, उसके बाद क्या कहा। अब किसी और के भाग्य में कोई और क्या कर सकता है। नहीं, उसके बाद क्या कहा। केवल थाली को देखने से पेट नहीं भर जाता, खाना भी पड़ता है, चलिए खाइए। मिल गया उपाय। अब देखना मैं शांतैया काका को कैसे न्याय दिलवाता हूँ। महाराज, विजयवाड़ा राज्य में एक गंभीर समस्या उत्पन्न हुई। इस समस्या के समाधान के लिए हम। प्रणाम महाराज, क्षमा चाहता हूँ, आज फिर से मुझे आने में विलंब हो गया, परंतु आज के लिए मैंने विशेष अनुमति ली थी ताकि मैं कल के भोज की अच्छी तरह से व्यवस्था कर सकूं। ये किस प्रकार के भोज की बात कर रहे हैं आप पंडित रामकृष्ण? महाराज, इस भोज के पीछे एक विशेष प्रयोजन है, परंतु इसके विषय में मैं आपको भोज के अवसर पर ही ज्ञात करवाऊंगा। आप भी दोनों रानियों सहित अवश्य पधारें। गुरुवर आपको, धनीमनी आपको और मंत्रीवर आप सभी को मैं यहां निमंत्रण देने के लिए ही उपस्थित हुआ हूं। बस महाराज की अनुमति की आवश्यकता है। अवश्य पंडित रामकृष्णा, अवश्य। यदि आपने भोज का आयोजन किया है तो कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होगा। ठीक है पंडित रामकृष्णा, अब जब महाराज ने स्वीकृति दे दी है तो हम भी अवश्य आएंगे। धन्यवाद गुरुवर। महाराज, ये एक ऐसा भोज होगा जिसे आप सब आजीवन भूल नहीं पाएंगे। अरे सब जल्दी जल्दी करो, उनके आने का समय हो गया है। ये हो गया। अरे ओहो, रुको, तुम पहले जाओ। अच्छा सुनो, क्या है, हम काम कर रहे हैं। नहीं, हाँ तो मैं भी काम की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, सारा भोजन बन जाएगा और वो भी स्वादिष्ट। नहीं नहीं, हाँ? तीन बातों का ध्यान रखना है। हाँ? लड्डू अम्मा से बचा कर रखना, अन्यथा अम्मा टोकरी सहित सारे लड्डू चट कर जाएंगी और अतिथियों के हाथ कुछ नहीं लगेगा। हाँ? उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं लड्डू नहीं खाऊंगी। परंतु लड्डू चक्कर देखने की तो आवश्यकता है ना कि कैसे बने हैं, इसलिए मैंने पांच लड्डू चक्कर देख लिए, स्वादिष्ट बने हैं। अच्छा अम्मा, बहुत हुआ हा? पांच लड्डू। और दूसरी बात, वो पाचन वाला काढ़ा दिखाओ, वो पाचन वाला काढ़ा तैयार कर लेना भोजन के प्रारंभ में परोसने के लिए, इससे उन सबकी भूख बढ़ जाएगी। आप पांच बार स्मरण करा चुके, हमने काढ़ा तैयार कर दिया है। महाराज कृष्ण देव राय पधार रहे हैं। भूख जागृत होगी और भोजन पचेगा भी। लीजिए। बी
पीजिए आचार्य पीजिए, इस बार का भोज आपको सदैव याद रहेगा। आज कुछ अधिक ही भूख लग रही है हमें। हाँ, प्रातःकाल अल्पाहार भी किया था। हाँ, ये हो क्या रहा है, हमें तो इतनी भूख कभी नहीं लगती। कब आएगा भोजन? गुरुजी मंगवाइए। गुरुवर, आप कुछ कह नहीं रहे हैं? आपको भूख नहीं लगी है क्या? क्या बताएं महाराज, इतनी भूख लगी है कि बोला भी नहीं जा रहा है। वैसे भी हमारे गुरुजी ने उपवास रखा हुआ है ताकि अधिक से अधिक भोजन खा सके, क्यों गुरुजी? पंडित रामकृष्ण, अब प्रतीक्षा मत करवाइए, भोजन परोसी है। भोजन बन गया है मंत्रीवर, बस गुरुदेव के लिए एक विशेष भोजन तैयार किया जा रहा है। ये तपस्वी है, ज्ञानी है, महान है, आदरणीय है ना? क्या बना है? गाय के घी का हलवा, वो भी दो पतीले भर के। प्रतीक्षा किस बात की है? लाओ लाओ हलवा लाओ। प्रतीक्षा कीजिए गुरुवर, पक रहा है ना, और वैसे भी इस हलवे का स्वाद आपको जीवन पर्यंत स्मरण रहेगा। करेंगे, अवश्य करेंगे, मिले तो सही। ये लीजिए, भोजन भी आ गया। थोड़ा और। भोजन तो अधिकारी स्वादिष्ट है, जी तो करते हैं, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, सर्वों के गुण गाते जाओ खाते जाओ। पंडित रामकृष्ण जी, गुरुवर, क्या आप हमें बताएंगे ये हलवा कहाँ है? बन गया है, आपको उसकी सुगंध आ रही है ना? हाँ, सुगंध तो आ रही है, हलवा नहीं आ रहा है। बस अभी प्रस्तुत हुआ। गुरुवर, अब इस स्वादिष्ट हलवे का भरपूर आनंद लीजिए। आनंद लेंगे, अवश्य लेंगे, पर कैसे लेंगे? पहले परोसियो तो सही। गुरुवर, आपको इसकी सुगंध आ तो रही है ना? आ रही है, कितनी बार कहे, आ रही है, बहुत आ रही है, लाइए। तो बस इसका आनंद लीजिए और अपना पेट भर लीजिए, इसे खाने की क्या आवश्यकता है? रामकृष्ण, ये कैसा प्रयास कर रहे हैं आप हमारे साथ? प्रयास नहीं गुरुवर, सत्य है। आज आप इस हलवे से नहीं, इसकी सुगंध से ही अपना पेट भरकर अपनी क्षुधा शांत करेंगे। अपमान, घोर अपमान। क्या हुआ गुरुवर? महाराज, अपनी आवास पर भोजन पर आमंत्रित करके हमारा अपमान कर रहे हैं पंडित रामकृष्ण। नहीं गुरुवर, कदापि नहीं, मैं तो आपके निर्देशों का अक्षरशः पालन कर रहा हूँ। कैसा अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं आप पंडित रामकृष्ण? क्रोधित ना हूँ गुरुवर,
हलवे के स्वाद का आनंद ले बस। आनंद ले? कैसे आनंद ले? गुरस्ता की बात कर रहे हैं आप? हलवा वहां, हम यहाँ। एक ही बात बोले जा रहे हो, सुगंधाई सुगंधाई सुगंधाई। भला हलवे की सुगंध से कैसे भूख मिल सकती है किसी की? हाँ, जब दूर रखे दीपक की लौ से शीतल जल में खड़े शांतैया काका को उष्णता प्राप्त हो सकती है, तो इस हलवे के सुगंध से आपका पेट क्यों नहीं भर सकता गुरुवर? तर्क के अनुसार पंडित रामकृष्ण का कथन संपूर्ण रूप से सत्य है गुरुदेव। तो बताइए गुरुवर, इस हलवे की सुगंध से आपका पेट भर रहा होगा, है ना? नहीं। तो क्या उस दीपक की लौ से शांतैया काका के शरीर को उष्णता प्राप्त हुई होगी? कदापि नहीं। तो क्या शांतैया काका उस परीक्षा में असफल हुए? नहीं नहीं। हम मानते हैं वो परीक्षा में सफल थे, उनकी आवश्यकता ने उनसे असंभव कार्य भी संभव करवा दिया। वाह पंडित रामकृष्णा, हमें आपसे यही अपेक्षा थी। आज तो आपने हम सभी के नेत्र खोल दिए। हम आज ये घोषणा करते हैं कि शांतैया जी उस दिवस पुरस्कार के योग्य थे, अतः उन्हें कल प्रातःकाल रात दरबार में प्रस्तुत किया जाए। महाराज, उन्हें निमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, वे इस समय यहीं उपस्थित हैं। शांतैया काका, पंडित रामकृष्णा, हम आपके आत्मविश्वास से प्रभावित हुए हैं। आपको ज्ञात था कि आप इन्हें आज न्याय दिलाकर ही रहेंगे। यदि आज हम अपने साथ 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं लेकर आए होते तो इन्हें अभी दे देते, जो इनका अधिकार है। परंतु महाराज, ऐसा कभी हो सकता है कि आपने अपनी इच्छा व्यक्त की हो और वो पूर्ण ना हो? तो हमारा क्या औचित्य है आपके साथ रहने का? आपने इन्हें तत्काल पुरस्कृत करने की अभिलाषा व्यक्त की है, जो अवश्य पूर्ण होगी। हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं महाराज। महामंत्री, आप भी। ये लीजिए महाराज, अपना वचन पूरा कीजिए। शांतैया जी, प्रणाम महाराज। ये लीजिए आपका पुरस्कार। आज एक बार फिर यह सिद्ध हो गया कि जहां पंडित रामकृष्ण उपस्थित होते हैं वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते हैं। धन्यवाद। मैं आपको बहुत आभारी हूं पंडित रामकृष्ण जी। रामकृष्णा जी। गुरुवर, हलवा। हाँ गुरुवर, ये हलवा विशेष तौर से आपके लिए तो बनाया है गुरुवर, खाइए आनंद लीजिए। धन्यवाद। अंत भला तो सब भला, परंतु पंडित रामकृष्ण, हमें हमारे एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है अब तक।
आपने हमसे कहा था कि आज का ये भोज आपने किसी विशेष प्रयोजन से आयोजित किया था। वो विशेष प्रयोजन क्या है? विशेष तो है प्रभुवर, क्या है कि आज वो 25वां अवसर है जब मैं आपके प्रकोप से बच निकला हूँ। 25 बार आपके द्वारा दरबार से निष्कासित होने के पश्चात 25वीं बार वापस दरबार में प्रवेश पाने के अवसर पर रजत जयंती समारोह मनाने के लिए भोज तो आवश्यक है ना महाराज। अद्भुत पंडित रामकृष्णा, अद्भुत। नीलज कहीं के हमें और कितना भगाएगा? हम तुम्हारी महारानी हैं, तुम्हारी तरह कोई कबूतरी नहीं, समझे? महारानी जी, ये क्या हो रहा है सुबह सुबह, क्या कर रही हैं आप? महाराज, वो देखिए कबूतर। कबूतर? ये कबूतर हमारे लिए संदेशा लेकर आया, परंतु हमें देने को तैयार ही नहीं, यहाँ वहाँ दौड़ा रहा है। महाराज देखिए ना, महाराज इस कबूतर ने हमारी क्या हालत कर दी है। शांत हो जाइए आप, शांत हो जाइए, हम कबूतर को बुलाते हैं। ये संदेश। क्या हुआ महारानी? माँ। क्या हुआ आपकी माता श्री? माँ बहुत खराब है जी। मतलब माँ का स्वास्थ्य बहुत खराब है, बहुत बीमार है वो। ओ, तो अत्यंत दुखद समाचार। एक और कबूतर? संभवतः एक और संदेश है। ये एक और संदेश। क्या हुआ छोटी महारानी जी, सब कुशल तो है? महाराज, माँ को हमारी याद आ रही है, वो हमसे मिलना चाहती है, उनको लगता है कि उनके प्राण कभी भी। महाराज, महाराज हमको बहुत डर लग रहा है, हमको बहुत चिंता हो रही है अपनी माँ की। महाराज शांत हो जाइए, धैर्य रखिए छोटी महारानी जी, सब कुशल होगा। महाराज एक और कबूतर। ये और एक संदेश। अब क्या हुआ महारानी? महाराज एक बार ये संदेश आप ही पढ़िए, कहीं कोई अशुभ समाचार ना हो, महाराज हमारी तो हिम्मत नहीं हो रही है। शांत हो जाइए, हम पढ़ते हैं। गई महारानी जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, हमारी पूरी बात तो सुनिए। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि आपकी माताजी मंदिर गई थी भगवान के दर्शन करने, वापस आ गई है अपने महल में, अब विश्राम कर रही है। हाँ, किंतु स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं हुआ है उनका, और आपको बहुत याद कर रही है। तो महाराज आप भी चलिए ना हमारे साथ। काश ऐसा संभव होता छोटी महारानी जी। क्यों महाराज, ऐसा संभव क्यों नहीं है? छोटी महारानी जी, हम राजा हैं, हम अपने राज सिंहासन को यूं रिक्त छोड़कर नहीं जा सकते कहीं भी, हम पर कितने दायित्व है, पूरे राज्य का भार है हमारे कंधों पर। तो हमारी माँ, उनका क्या, वो आपका दायित्व नहीं है? है, अवश्य है दायित्व। नहीं है, यदि होता तो आप हमें ऐसे अकेले जाने को नहीं कहते। छोटी महारानी जी, आप बात को समझ ही नहीं रही हैं। हाँ हाँ, हम कहाँ समझेंगे, मूर्ख है ना हम तो। अब ऐसा किसने आपसे कह दिया कि आप मूर्ख हैं? हम मूर्ख नहीं तो और क्या है, मूर्ख ही तो है, तभी तो विश्वास कर लिया कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। तो करते हैं ना। झूठ, कोई प्रेम प्रेम नहीं करते आप हमसे। यदि आप हमसे प्रेम करते तो हमारे साथ चलते, यदि आप हमसे प्रेम करते तो हमें अकेले जाने को नहीं कहते, यदि आप हमसे प्रेम करते तो हमें ये रोता बिलकता नहीं छोड़ते, यदि आप हमसे प्रेम करते तो। तत्काल आदेश पर महामंत्री तिमारसु और पंडित रामकृष्ण को हमारे विशेष कक्ष में प्रस्तुत किया जाए। हम उनसे अभी इसी क्षण मिलना चाहते और कहना चाहते हैं कि हम छोटी महारानी तिरुमल्लम्मा की माता श्री से भेंट करने जा रहे हैं। महाराज, हमें तो
विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप हमारे साथ जा रहे हैं। जी छोटी महारानी जी, विश्वास तो हमें भी नहीं हो रहा है कि हम आपके साथ जा रहे हैं। नहीं, हम मानते हैं कि इस प्रकार एकाएक राज दरबार छोड़कर, राज कार्य छोड़कर जाना उचित नहीं है, परंतु महारानी तिरुमल्लम्बा की बात नहीं मानी। अर्थात महारानी तिरुमल्लम्बा की माता श्री जो है वो अस्वस्थ है, और हमें प्रतीत होता है, ये हमारा निर्णय है कि हमें जाकर उनको मिलना चाहिए, वहां उपस्थित रहना चाहिए। तो हमने तय किया कि हम जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना मंत्रीवर? जी 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 महाराज, अब माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो जाना तो होगा ही ना। महाराज आप निश्चिंत होकर प्रस्थान करें, यहाँ का कार्यभार सब संभाल लिया जाएगा। महाराज आपके जाने से पूर्व हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि महाराज की अनुपस्थिति में महाराज अपने अधिकार किसे देना चाहेंगे, अर्थात महाराज का रिक्त स्थान कौन संभालेगा और हमें किसके आदेश मानने होंगे? ये भी कोई पूछने वाली बात है मंत्री? आप है ना विजयनगर के हमारे राज दरबार के सबसे वरिष्ठ, सबसे विश्वसनीय, सबसे अनुभवी सभासद। आपसे अधिक भला कौन समझ पाएगा हमारे राज्य की कार्यशैली? तो हमारी अनुपस्थिति में आप ही संभालेंगे हमारा कार्यभार। हम? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? पंडित रामकृष्ण के होते हुए ये आप कैसे कह सकते हैं? महाराज जो भी आपका स्थान लेगा उसे राज्यसभा में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान करना होगा, और वो भी सबके समक्ष। और हमें ये लगता है कि पंडित रामकृष्ण जैसे बुद्धिमान व्यक्ति का ही काम है महाराज, और ये कार्य तो राज दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को मिलना चाहिए जो कि पंडित रामकृष्ण है। जी मंत्री वर, ये क्या कह रहे हैं आप? पंडित रामकृष्ण आप ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, इतने दिनों से राज दरबार की कार्रवाई का अनुभव भी ले चुके हैं, आपसे अच्छा विकल्प क्या हो सकता है इस कार्य के लिए? और हम तो आपके साथ हैं ही। पंडित रामकृष्ण आप क्या कहते हैं मंत्रीवर के कथन के विषय में? क्या आप हमारी अनुपस्थिति में हमारा स्थान लेंगे? अरे नहीं नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मंदिर के फूल भगवान के चरणों पे रहे तो ही अच्छा है, उनसे भगवान का मुकुट थोड़ी ना बनाया जाता है। और फिर राज शासन चलाने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसका सम्मान हो, प्रजा जिसकी आदर करती हो, पूछती हो। इस पद को संभालना तो बड़े प्रतिष्ठा की बात है महाराज, और मैं तो उसके आसपास भी नहीं ठहरता। नहीं नहीं महाराज, ये बड़ा जिम्मेदारी का कार्य है, इसके योग्य मैं तो नहीं। कथन तो सत्य है आपका, फिर तो ये स्थान आचार्य तथाचार्य को ही मिलना चाहिए। बिल्कुल, अब उनसे अधिक कार्य कुशल, अनुभवी, ज्ञानी और गरिमामयी और कौन हो सकता है? मेरे विचार से तो इस पद को संभालने के लिए आचार्य के अतिरिक्त और कोई योग्य है ही नहीं। परंतु पंडित रामकृष्ण आचार्य इतने बड़े विद्वान हैं, आचार्य सुलझे हुए व्यक्तित्व के स्वामी हैं, आचार्य समस्त विजयनगर महाराज के समानांतर उनका सम्मान भी करता है। आचार्य से अधिक उपयुक्त इस कार्य के लिए और कोई है ही नहीं। और फिर ये भी तो सोचिए, यदि किसी और को ये स्थान दिया गया और आचार्य को ज्ञात हो गया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा कि महाराज ने इस कार्य के लिए किसी और पर भरोसा किया, उन पर नहीं, है कि नहीं? ये भी सत्य, गुरुवर इन बातों को लेकर थोड़े से भावुक तो हैं। वही तो, अबोध निर्मल बुद्धि, कब कौन सी बात को हृदय से लगा ले कौन जानता है। समय की बात है मंत्रीवर, महाराज कौन सा वर्षों के लिए जा रहे हैं, बस छोटी महारानी जी के साथ यूं जाएंगे, अपनी सासू माँ का कुशल क्षेम पूछेंगे और वापस आकर अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, है कि नहीं महाराज? हाँ शीघ्र अति शीघ्र लौट आएंगे, हम कुशल क्षेम पूछते ही लौट आएंगे। देखा, कहा था ना मैंने, और फिर आप और मैं तो आचार्य के साथ है ही यहाँ हर क्षण, ऐसा वैसा कुछ थोड़ी ना होने देंगे। अरे पागल हो गया है क्या रामा, उस दुष्ट आचार्य को महाराज का स्थान दिलवा रहा है, बिल्ली को मलाई के भंडार पर बिठा रहा है तू रामा, पूरा भंडार चक्कर जाएगी और डकार भी नहीं लेगी,
और कोई विकल्प है क्या स्थिति से बचने का बंधु? परंतु तू निश्चिंत रहे, कुछ नहीं होगा। मेरी दृष्टि रहेगी आचार्य पर, मैं उन्हें ऐसा वैसा कुछ करने नहीं दूंगा। इतना बड़ा स्थान मिलने के बाद तथाचार्य तुझसे पूछ के करेगा क्या कुछ?